मेरे जीवन का सबसे सबसे खुशी का पल है। इससे अधिक खुशी का की बात कोई हो नहीं सकती है। कि पापा यूपीएससी का रिजल्ट हो गया तो मैंने उनसे पूछा कैसा रहा रिजल्ट, रैंक कितना रहा, तो उन्होंने एक बार बोला कि फर्स्ट रैंक है, तो मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने दोबारा रिपीट किया कि रैंक एक्चुअली रैंक कितना है, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं पापा टॉप कर गए। तो ये बोलते बोलते उसके भी आँख में आंसू, मेरे भी आँख में आंसू आ गए। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2020 के परिणाम के आने के बाद पूरे बिहार भर में उत्साह की लहर दौड़ रही है। एक तरफ शुभम कुमार ने यूपीएससी के एग्जाम में पहला स्थान पाकर पूरे बिहार का नाम रोशन कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर शुभम कुमार के चर्चे हो रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2014 से 18 तक शुभम ने IIT मुंबई से सिविल इंजीनियरिंग की, उसके बाद वो यूपीएससी की तैयारी में लग गए थे। साल 2019 में भी उन्होंने यूपीएससी में 290 रैंक लाया था, जिसके बाद 2020 में उन्होंने यूपीएससी एग्जाम में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बहुत खुशी हो रही है, खुशी से फूले नहीं समा रही हूँ। हाँ, क्योंकि वो छोटा ही था, जब उसे हम लोग पूछते थे कि बेटा क्या करोगे, जब वो मतलब बहुत छोटा था, 3 साल का था, बोलने के लिए मतलब थोड़ा सा तुतला के बोलता था, तो वो बोलता था कि हम बहुत बड़ा अफसर बनेंगे, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और पापा का भी सपना था और चाचा का भी सपना था और दादी की भी सपना थी कि मेरा पोता एक बड़ा अफसर बने। अब बेटा अफसर बन गया, आगे क्या सीख देंगे उसे? मैं यही सीख दूंगी कि तुम जैसे बने हो और गांव के भी जितने बच्चे हैं जो पढ़ने में तेज हैं, उनको शुभम के जैसा ही उसको शिक्षा मिले और आगे बढ़े। और क्या उम्मीद पालते हैं बेटा, IAS हो गया है, और क्या उम्मीद पालते हैं? मैं उम्मीद पालती हूँ कि वो मतलब कि पूरा समाज और पूरा बिहार का जहाँ भी वो पोस्टेड रहे, तो वो गरीबों का और यहाँ सहयोग करे। मेरा पूनम सिंह। बड़ा उपलब्धि है, क्या कहेंगे इस दिन को, किस तरह से कहेंगे? वो मेरे जीवन का सबसे सबसे खुशी का पल है। इससे अधिक खुशी का की बात कोई हो नहीं सकती है। सारा जीवन हमने उसके लिए सैक्रिफाइस किया, बच्चों के लिए सैक्रिफाइस किया, और एक सपना देखा था कि जिस ऊंचाई पर, जिस मुकाम पर हम नहीं पहुंच पाए, कुछ पारिवारिक समस्या के कारण पिताजी अर्ली एज में गुजर गए, जिसमें 10th में पढ़ता था, तो जहां जाने के लिए हमने संकल्प किया था उस ऊँचाई पर नहीं जा सका। लेकिन उसी दिन हमने संकल्प किया कि मैं अपने बच्चे को जरूर एक न एक दिन उस ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा जहां पे मैं जाना चाहता था, जहां पे सारी दुनिया, सारा देश जहां जाना चाहता है। कि हम सभी का सपना होता है कि हम बहुत सबसे माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वहां पे पहुंचे, तो ये निश्चित रूप से मेरे लिए, मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। कैसे पता कैसे चला आपको कि... ऑफिस सबसे पहले पता चला, उन्होंने ही कॉल किया। जब मैं ऑफिस से नीचे आ रहा था बंद करके, तो उन्होंने ही पहला कॉल किया कि पापा यूपीएससी का रिजल्ट हो गया। तो मैंने उनसे पूछा कैसा रहा रिजल्ट, रैंक कितना रहा, तो उन्होंने एक बार बोला कि फर्स्ट रैंक है, तो मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने दोबारा रिपीट किया कि रैंक एक्चुअली रैंक कितना है, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं पापा टॉप कर गए। तो ये बोलते बोलते उसके भी आँख में आंसू, मेरे भी आँख में आंसू आए। ये उसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, जो उसकी पहली शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा क्लास 2 में वो पटना से हुई, ST सेवरेंस स्कूल, हाई स्कूल से 2 से 5वें क्लास तक। 6ठे क्लास में वहाँ विद्या विहार परोड़ा पूर्णिया, 6ठे क्लास से 10वीं क्लास तक। 10वें क्लास मैट्रिक विद्या विहार परोड़ा से किया 2012 में, और 12 के लिए जो है बोकारो चिनमिया स्कूल 2014 में उनका 12 हुआ, और 2014 में ही IIT क्वालिफाई किया साथ साथ, और IIT मुंबई में सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। 2014 से 18 उनका बीटेक का साल था, 19 में वो यूपीएससी में बैठा।
और अभी फिलहाल कहाँ है? फिलहाल अभी पुणे में है, पुणे IDAS सेंटर। कितना भाई बहन? एक भाई एक बहन, बड़ी बेटी है और छोटा शुभम है। जी मेरा नाम देवानंद सिंह, शाखा प्रबंधक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुख्य शाखा पूर्णिया। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? ये हमारे लाइफ का सबसे खुशी का क्षण है और शुरू से बहुत प्यारा रहा है घर का, और कभी बाहर रहकर कभी नहीं लगा कि वो हम लोगों से दूर है। और यही खासियत उसकी है कि सब दिन घर से बाहर भी रहा और हम लोगों से जुड़ा भी रहा और अभी तक जुड़ा हुआ है। और जो हम लोग चाहते गए बचपन से, छोटे क्लास से लेकर करके हायर रैंक तक, वो हमारी इच्छा को पूरा करता गया। कभी सेकंड नहीं देखा, सेकंड क्लास क्या होता है वो कभी देखा नहीं। अब क्या उम्मीद करते हैं भाभी? और हम उम्मीद करते हैं कि अब देश के लिए कुछ करने का क्षण है। जो हम लोग सोचे, मेरा भी सपना था, हम भी इसके लिए प्रयास किए थे जो सफल नहीं हुए थे, तो मेरा मानना है कि अब उसको अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, और जहाँ कमी है प्रशासनिक सेवा में, उस चीज़ को दूर करने का वो प्रयास करे अपने स्तर से भी, और एक नए ट्रेंड का शुरुआत हो उससे। मेरा नाम डॉक्टर मणि कुमार सिंह। बड़ा खुशी का दिन है, किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? सुबह को बचपन से देख रहे हैं, इस खुशी से आप लोग किस तरह उत्साहित है, कितना खुश? इससे बड़ी खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती है, चूँकि UPSC में टॉप होना भारत के लिए सबसे गौरव की बात होती है, और वो भी ग्रामीण परिवेश में रह करके इस बच्चे ने ये उपलब्धि हासिल की है। हम लोग पूरा ग्रामवासी है ना, इनके इस उपलब्धि से गदगद हैं और चाहते हैं कि और बच्चे भी हमारे यहाँ से इस तरह की उपलब्धि हासिल करें, ये हम लोग इच्छा रखते हैं। शुभम, आपका घुल मिल कर शुभम बहुत मिलनसार लड़का था, क्योंकि वो बोलता थोड़ा कम था है ना, लेकिन बहुत मिलनसार था। हम लोगों से तो बार बार उनकी भेंट होती थी, हम लोग यहाँ आते जाते रहते थे है ना। बचपन से ही वो मेधावी था, पढ़ने में बचपन से ही मेधावी था, और बहुत बड़ा एम्बिशन उनके पिता का भी था, उनका भी था, आज उसने वो अचीव किया है ना। हम लोग बहुत गदगद हैं। सुरेश यादव। वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के कल्याण हरौना निवासी विश्वनाथ प्रसाद और सीता प्रसाद के पुत्र प्रांजल प्रतीक ने भी UPSC की परीक्षा में 529वां रैंक लाकर पूरे जिले का मान बढ़ा दिया है। साल 2017 में इंडियन एक्सप्रेस रिसर्च इंस्टीट्यूट से उन्होंने BTEC किया, उसके बाद साल 2019 में IIM बेंगलोर से उन्होंने अपनी MBA कंप्लीट की। MBA पूरा करने के बाद उनका कैंपस प्लेसमेंट भी बड़ी कंपनी में हो चुका था, लेकिन इसी बीच 2020 में कोरोना ने दस्तक दे दी थी। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम करते हुए अपनी तैयारी भी शुरू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने 2020 के सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की। प्रांजल ने बताया कि NCERT पर उन्होंने अपनी पूरी पकड़ बना ली थी, उसके बाद उन्होंने अपने कंसेप्ट क्लियर किए और विषयों को दोहराते रहे। इस परिणाम के बाद अब वो IPS अधिकारी बनेंगे।